हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस नए कंटिन्यूएशन वीडियो में, जहां पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा पिछला टॉपिक दैट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन टर्म्स। देखिए, हम ये थ्री स्टेज में करने वाले हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था दैट इज कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन टर्म्स, ये सबसे पहले हम देखेंगे जो अभी हमें चल रहा है। ओके, उसमें किसका मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन का देखेंगे, कुछ पुअर लोग भी थे जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। उसके बाद हम देखेंगे कंट्री साइड में जाके, कंट्री साइड में पीसेंस एंड उन सबका, एंड उसके बाद हम देखने वाले थे कि किस तरह से प्लांटेशन वर्कर्स जो है आसाम के, वो इस मूवमेंट को देख रहे थे। क्योंकि ये हमको क्लियर पता चल गया, ये तीन स्टेज में हम देखने वाले। अब तक हमने क्या किया वो देख लेते। पहले हम टाउन्स में हैं अभी, राइट। टाउन्स के इसमें देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने देखा कि मूवमेंट स्टार्ट होता है टाउन्स में विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन। उसके बाद हमने अगली वीडियो में क्या देखा कि उसका इकोनॉमिक फ्रंट पे क्या असर पड़ा, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसका इकोनॉमिक फ्रंट पे क्या असर पड़ा। एंड उसके बाद इस वीडियो में हम क्या देखने वाले, दैट इज मूवमेंट स्लो डाउन क्यों हुआ इन द टाउन्स एंड सिटीज। मतलब ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि फाइनली उसको बंद करना पड़ेगा, ऐसे भी बोल सकते हैं, राइट। सो ये फाइनली ये हुआ, क्या बोलते हैं, स्लो डाउन हुआ सिटीज एंड टाउन्स में, राइट। सो वही देखने वाले हम। तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं हमारे पहले पॉइंट की तरफ। सो देखिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्लो डाउन फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस। अब ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, ये वैरायटी ऑफ रीजंस की वजह से क्लोज डाउन हुआ था या स्लो डाउन हुआ था। उसमें से कुछ बुक्स बुक में बताया गया है कि क्यों स्लो डाउन हुआ था, बट ऐसे अगर देखा जाए तो वो अपनी कुछ ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से मूवमेंट स्लो डाउन हुआ। ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स थे जो कम अप हो रहे थे, जो आ रहे थे हमारे सामने, जिसके सॉल्यूशंस कुछ स्लो थे, कुछ स्लो आने में थे, या कुछ ऐसे लोगों के साइड से प्रॉब्लम था कि वो, जैसे कि ये पहला पॉइंट हो गया कि जो एक्सपेंसिव क्लोथ्स थे वो पुअर लोग नहीं, मींस दे वर अनेबल टू बाय देम। ओके, सो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, एंड ब्रिटिश रिप्रेशन के कारण ये स्लो डाउन ही हो रहा था, अपने कुछ कारण थे, राइट, ऐसा कहा जा सकता है, राइट। सो वही पहला पॉइंट देखते हैं हम, क्या है वो, खादी क्लोथ। अब ये खादी क्लोथ क्या है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, दैट इज कि अब लोगों ने फॉरेन क्लोथ जो होते हैं वो बर्न कर दिए थे लार्ज यूज बॉन फायर में, एंड सिर्फ इंडियन क्लोथ पहनना स्टार्ट कर दिया था। तो खादी क्लोथ भी एक इंडियन क्लोथ ही है, राइट। खादी क्लोथ भी एक इंडियन क्लोथ है जो उस समय पे बहुत एक्सपेंसिव था देन दी मास प्रोड्यूस क्लोथ। मास प्रोड्यूस क्लोथ में क्या था, मतलब वो इतना एक्सपेंसिव नहीं था एज कम्पेयर टू खादी क्लोथ। ओके, एंड उसके वजह से क्या हुआ, जो पुअर पीपल थे दे वर अनेबल टू बाय देम। ओके, सो इसमें ऐसा नहीं था कि सिर्फ रिच एंड मिडिल क्लास लोग आ रहे हैं, इसमें पुअर लोग भी थे, इन टाउन्स एंड सिटीज पुअर लोग भी थे जिनका ऐसा था कि वो दे वर अनेबल टू बाय इट। ओके, सो क्या हुआ, खादी क्लोथ था विच इज एन इंडियन क्लोथ, इट वॉज मोर एक्सपेंसिव देन द मास प्रोड्यूस क्लोथ, एंड बिकॉज ऑफ दिस what we say, because of it is very expensive, the poor people were unable to buy it. Okay, ये इतना point समझ में आ गया। उसके बाद देखिए अगला क्या है, Indian institutions are, as the alternative of British institutions were slow to come up. अब देखिए, बच्चे हैं, students हैं, teachers हैं, ये institutions से जा रहे हैं, okay, that is schools and colleges, and lawyers भी अपनी give up कर रहे हैं practices, legal practices. अब ऐसे इंस्टीट्यूशंस इन अल्टरनेटिव चाहिए होंगे जो जहाँ पर ये लोग काम कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रैक्टिसेस वापस ओपन अप कर सकते हैं, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स वापस पढ़ा भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। सो ऐसे एक अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन चाहिए था ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस की जगह पे। मतलब ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन तो अभी यूज नहीं करना, तो एक अल्टरनेटिव चाहिए, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूशंस। बट ये बहुत ही स्लोली आ गए थे, मतलब दे वर वेरी स्लो इन टू कम अप, क्योंकि मतलब बहुत देर लग रही थी उनको, बहुत देर के बाद वो ग्रो अप होने वाले थे, इंस्टीट्यूशंस आने वाले थे। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ, ये ऐसा लॉस बोल सकते हैं आप कि लॉस फेस करना पड़ रहा था लीगल प्रैक्टिसेस जो करते हैं लॉयर्स, देन टीचर्स हो गए, हेडमास्टर्स हो गए, स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ऐसा एक साइड से डिसएडवांटेज फेस करना पड़ रहा था। तो उसके वजह से क्या हुआ, ये अगला पॉइंट हुआ, दैट इज व्हाट हुआ, व्हाट हैपेंड। So students and teachers went back to the government schools, lawyers joined back the work in the government courts. अब देखिए disadvantage face हो रहा है, disadvantage दिखाई दे रहा है, तो जो popular support था movement के लिए वो middle class participation से धीरे धीरे थोड़ा सा दूर होने लगा। That is what, कि जो students and teachers थे and जो lawyers थे जिन्होंने अपनी legal practices, फिर schools and colleges resign कर दिए थे, छोड़ दिए थे, ये सब कुछ,
जो हमने पिछले वीडियो में देखा। अब वो सब क्या करने लगे, जो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एंड हेडमास्टर्स थे वो वापस गवर्नमेंट स्कूल, जो उस टाइम भी गवर्नमेंट स्कूल्स थे, वापस ज्वाइन होने लगे। फिर लॉयर्स जो थे वो वापस जो गवर्नमेंट कॉलेज कोर्स थे, राइट, गवर्नमेंट कोर्स, वहां पर जाके ज्वाइन होने लगे, अपना लीगल प्रैक्टिस वहां पर ओपन अप किए वापस। ओके, सो क्या हो रहा है, बेसिकली दिखाई दे रहा है आपको क्या हो रहा है, दैट इज कि यहाँ पर डिसएडवांटेज फेस करने पड़ रहे थे कुछ, जैसे कि खादी क्लोथ हो गया, वो एक्सपेंसिव था तो वो पुअर पीपल अनेबल, दे वर अनेबल टू बाय देम। ओके, उसके बाद हमने देखा कि जो इंस्टीट्यूशंस थे, इंडियन इंस्टीट्यूशंस, दे वर स्लो टू कम अप व्हिच वर द अल्टरनेटिव्स ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद ऐसे कुछ डिसएडवांटेजेस फेस करने पड़ रहे थे, तो जो पॉपुलर सपोर्ट था वो अभी दिखाई नहीं दे रहा था। क्या हुआ, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स वो वापस स्कूल में चले गए, कॉलेजेस में चले गए जो गवर्नमेंट का था। लॉयर ने अपनी पूरी जो लीगल प्रैक्टिसेस थी वापस ओपन अप की इन द सेम गवर्नमेंट कॉलेजेस, सॉरी कोर्स, ओके, कोर्स में वापस जाने लगे। सो ऐसे डिसएडवांटेज दिखने लगा तो वो स्लोली स्लोली ऐसे स्लो डाउन हो गया मूवमेंट, धीरे धीरे स्लो डाउन हो गया। इसके वजह से क्या हुआ, मूवमेंट जो था टाउन्स एंड सिटीज में, वो ऐसे बोल सकते हैं कि सिचुएशन ऐसा आ गया था कि बंद हो जाए, राइट। सो ऐसा स्लो डाउन हो गया था मूवमेंट, वहां पर चल नहीं रहा था इतना मूवमेंट। सो अभी इस वीडियो में हमने इतना ही देखा, दैट इज कि ये मूवमेंट स्लो डाउन क्यों हुआ, राइट, इन सिटीज एंड टाउन्स। एक बार समराइज कर लेते क्या हुआ, देखिए बहुत सारे वैरायटीज ऑफ रीजंस थे जिसके वजह से ये मूवमेंट स्लो डाउन हुआ, राइट। पहला रीजन क्या था जो बुक में दिया, दैट इज कि खादी क्लोथ जो था, जो इंडियन क्लोथ था, वो बहुत ही एक्सपेंसिव था देन द मास प्रोड्यूस क्लोथ, ओके, एंड पुअर पीपल वर अनेबल टू बाय इट। ये पहला रीजन हो गया, यहाँ पर डिसएडवांटेज दिखा कि जो पुअर लोग हैं, जो पुअर पीपल है, दे आर अनेबल टू बाय द खादी क्लोथ। उसके बाद क्या सेकेंड रीजन, कि जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस थे वो बहुत ही स्लो प्रोसेस में आने वाले थे, ग्रो अप होने वाले थे एज एन अल्टरनेटिव ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पर भी क्या बोलते हैं, एक डिसएडवांटेज दिखाई दिया, तो जो सपोर्ट था, पॉपुलर सपोर्ट, वो अभी छूटने लगा, धीरे 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 छूटने लगा। मतलब क्या हुआ, जो स्टूडेंट्स, टीचर्स, हेडमास्टर्स थे वो गवर्नमेंट स्कूल्स या कॉलेजेस में जाने लगे, लॉयर प्रैक्टिसेस, लॉयर्स ने अपने लीगल प्रैक्टिसेस स्टार्ट कर दी गवर्नमेंट कोर्स में। तो इतना ही था फ्रेंड्स इसमें जो हमने डिस्कस किया कि किस तरह से मूवमेंट स्लो डाउन होने वाला, मतलब हो चुका था, राइट। सो हमने टाउन्स में क्या क्या देखा, राइट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन टाउन्स में क्या देखा, जो फर्स्ट स्टेज है अपना टाउन्स का, उसमें क्या देखा, सबसे पहले तो मूवमेंट स्टार्ट होता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है वहां पर स्टार्ट, वहां पर लोग स्टार्ट कर देते हैं नॉन कोऑपरेटिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उसके बाद हमने अगली वीडियो में क्या देखा, दैट इज कि मूवमेंट का इफेक्ट क्या था इकोनॉमिक फ्रंट पे, जैसे फॉरेन क्लोथ्स का जो इम्पोर्ट था, फॉरेन गुड्स का जो इम्पोर्ट था, वो हाफ हो गया बिटवीन 1921 टू 22, जिसका जो प्राइस था 102 करोड़ से 57 करोड़ पे चला गया। तो ऐसे कुछ इकोनॉमिकल ऐसे डाउन आए जो हमने देखा इस वीडियो में, दैट इज इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन इकोनॉमिक फ्रंट। उसके बाद हमने क्या देखा, देखिए इस वीडियो में हमने क्या देखा, मूवमेंट स्लोड डाउन इन टाउन, मतलब क्या हुआ, पहले स्टार्ट हुआ, राइट, उसके बाद उसका इफेक्ट पड़ा इकोनॉमिक फ्रंट पे, फिर कुछ डिसएडवांटेजेस दिखने की वजह से जो पॉपुलर पार्टिसिपेशन था वो धीरे धीरे दूर होने लगा और वापस स्कूल्स एंड कॉलेजेस में ज्वाइन हो गया। एंड जैसे पॉपुलर सपोर्ट दूर होने लगा, ये मूवमेंट स्लो डाउन होने लगा। तो इस वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स, जिसके बाद आपको सिर्फ तीन चीजें करनी है, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।